Hello students this is the last part of chapter number 2 nutrition in animals open page number 17 digestion in grass eating animals have you observed cows buffalos and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating actually they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen आप कभी ऑब्जर्व किया होगा काउस बफेलर्स एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंटिन्यूसली चूइंग करते रहते हैं क्यों आप जानते हो ये इस चैप्टर में उनके बारे में अभी पढ़ेंगे एक्चुअली क्या होता है दे क्विकली स्वालो द ग्रास वो जब खेती में जाते हैं तो जल्दी जल्दी ग्रास खा लेता है उनके बाद आराम से बैठ के फिर च्यूइंग करते रहते हैं रिपीटेड कंटिन्यूस च्यूइंग करते रहते हैं जल्दी जल्दी खा लेते हैं वो ग्रास उनकी स्टमक में एक बैग होता है उसमें स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं बैग को रूमेन ओके हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कॉड यहाँ पर जो जल्दी जल्दी खाते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं उनकी स्टमक में रूमेन में चले जाता है उसको क्या कहते हैं कार्ड ओके बट लेट द कार्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्ब एंड एनिमल चूस इट उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाता है उसके मुंह पे फिर तभी एनिमल क्या करते हैं आराम से धीरे धीरे चू करती रहती है नेक्स्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन इस तरह चबाने का मेथड को रूमिनेशन कहते हैं एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स द ग्रास इज रिच इन सेल्युलर्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रास में एक सेल्यूलोर्स होता है वो एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट की जैसा है वो एनर्जी देता है इन रोमिन लाइक कैटल डियर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ग्लू सेल्यूलोर्स मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोर्स एनिमल्स में वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ये ग्रास ग्रास में क्या होता है सेल्यूलोर्स होता है ये ग्रास अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन ह्यूमन को ये ग्रास डाइजेस्ट नहीं होगा दैट मीन्स ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट दिस टाइप ऑफ सेल्यूलोर्स एनिमल्स लाइक हॉर्सेस रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम बिटवीन द सेल्यूलस्टेड हियर बाई द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया ह्यूम एनिमल्स में एक बैग होता है पेट के अंदर वो कहाँ पे होता है ईसोफोगस की एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है वो बैग को क्या कहते हैं केकम हमारा बॉडी में क्या होता है ईसोफोगस की इंटेस्टाइन के बीच में स्टमक होता है इनका केकम होता है सो so, ये केकम में एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया रिलीज होता है उसकी वजह से सेल्यूलोर्स अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है

बाहर निकलता है बट देर आर सो मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है उसको खाने के लिए माउथ भी नहीं होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है ओके okay? उनके बारे में अभी पढ़ेंगे ओके नेक्स्ट फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus, and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अमीबा ये माइक्रोस्कोपी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बहुत माइक्रोस्कोपिक है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पे होता है रहता कहाँ पे पॉन्ड वाटर में रहता है इसका इतना है उसका ओनली न्यूक्लियस एक ही होता है और न्यूक्लियस एंड में स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होता है ओके okay? एंड ये बॉडी की शेप बदलते जाते हैं इट पुशेस आउट वन मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस छोटे-छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसकी बॉडी से निकलता है उनको क्या कहते हैं सोडापोडिया ओके अमीबा फीड्स वन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंसस फूड इट पुशस आउट सोडापोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल अमीबा फूड कैसे खाते बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है ये जब इसका सेंस आ जाता है फूड की तभी इसका बॉडी का वैक्यूल से उसका एनगल्फ कर लेती है फूड को एनगल्फ कर लेती है खींच लेती है द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल ओके डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब दब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ Maintenances and multiplication. The undigested reduce of the food is expelled outside by the vacuole. The, the basic process of digestion of food and release of energy in the same in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. Amoeba key वैक्यूल से उसका फूड खा लेती है और उसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है सिंपलरली ओके एंड वेस्ट को एडजस्ट भी कर देती है नाउ सी द पिक्चर ऑफ़ अमीबा 2.10 पॉइंट वन जीरो यहाँ पे अमीबा में सेंटर क्या है न्यूक्लियस होता है एंड वहाँ पे फूड पार्टिकल्स दिख रहा है ना एक एक वैक्यूल में फूड पार्टिकल्स है एंड लास्ट में एडजस्ट वेस्ट वहाँ से एडजस्ट भी हो जाता है उसका शेप देखिए वो शेप चेंजेस होते रहते एक फिक्सड शेप नहीं होता है अमीबा की अमीबा इज ए सिंगल सेलड ऑर्गेनिज्म ओके दिस इज अ सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जर्व बाय द इंटेस्टेंस टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द थर्ड चैप्टर ओके